बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स के बारे में, जिसकी MHT CET वेटेज है 3 मार्क्स एंड बोर्ड एग्जाम्स की वेटेज है 5 मार्क्स, ऑप्शंस के साथ वेटेज है 7 मार्क। वेव ऑप्टिक्स में 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट है हुईजन्स थ्योरी। हुईजन्स थ्योरी में बेसिकली आपको थ्योरी ही देखने को मिलती है, जो कि एक बार आपने समझ ली तो काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी हो जाती है। पॉजिटिव बात यह है इतने ज्यादा सम्स नहीं है। बात करें सेकंड की तो इंटरफेरेंस हो जाता है आपका सेकंड टॉपिक। इंटरफेरेंस समझने के लिए एक डिसेंट सा टॉपिक है, पर इसके सम्स कॉन्सेप्चुअली ही करने पड़ते हैं। MHT CET में अगर आपने मेरे लेक्चर देखे हैं तो उसमें मैं कम से कम 10 टाइप के सम्स कराता हूं, और 10 के 10 टाइप एकदम अलग हैं, सो कॉन्सेप्चुअली काफी ज्यादा डीप है। बात करें डायफ्रेक्शन के बारे में, डायफ्रेक्शन समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट बोर्ड एग्जाम्स में एक्सप्रेस करना इंग्लिश में इजी हो जाता है, उसके सम सीधा फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। फोर्थ इज रिजॉल्विंग पावर का टॉपिक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करो, फॉर्मूलाज को हाईलाइट करके पढ़ो, इजी लगेगा।